नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन वॉइस। MIMIM जिला अध्यक्ष ने दिया ज्ञापन, नाले पर अवैध निर्माण तत्काल प्रभाव से हटाने की CDO से की मांग। बिल्थरा रोड बलिया दिनांक 2 फरवरी 2021 को ऑल इंडिया मजलिशे इतिहादुल मुसलमीन बिल्थरा रोड बलिया यूनिट द्वारा नगर पंचायत बिल्थरा रोड बलिया में भाजपा नेता व नगर पंचायत चेयरमैन दिनेश कुमार गुप्ता व अधिशासी अभियंता द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिल्थरा रोड बलिया की दीवार से सटे नाले के ऊपर अवैध तरीके से भवन व शौचालय का निर्माण कराया गया, जिसको तत्काल प्रभाव से हटाने हेतु व दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने हेतु एक ज्ञापन जिला अध्यक्ष बलिया अमानुल हक अब्बासी एडवोकेट के नेतृत्व में मुख्य विकास अधिकारी श्री विपिन कुमार जैन को दिया गया। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से विधानसभा अध्यक्ष मुजाहिद व विधानसभा उपाध्यक्ष एडवोकेट, विधानसभा महासचिव रईस अहमद, विधानसभा संगठन मंत्री जियाउल भाई व अकबर भाई, जुबैर अब्बासी, इशरत साहब, अजहर एडवोकेट रिजवान आदि मौजूद रहे। बलिया से सब्बीर अहमद की रिपोर्ट। सर, आज आप समाधान दिवस पर निर्धारण तहसील मौजूद हैं। आज आप इस समाधान दिवस के मौके पर क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या आदेश निर्देश जारी कर रहे हैं? विभिन्न किस्म की शिकायतें प्राप्त हुई थी और संबंधित अधिकारियों को उसके लिए निर्देशित किया गया है। कुछ शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण हुआ है संबंधित सचिव और लेखपाल को भेज करके, तो उनकी संख्या आपको तहसील से प्राप्त हो जाएगी। आज पहला मंगलवार है फरवरी है और आज के लिए हम लोगों ने एक अभियान रखा था जनपद में जो अति कुपोषित बच्चे हैं उनको चिन्हांकित करने के लिए, तो इसके पश्चात अब उसका निरीक्षण किया जा रहा है। यही एक छोटा सा एजेंडा था। इसके अलावा तहसील दिवस में जो भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनका गुणवत्तापूर्वक निस्तारण हो, इसके लिए जो नेक्स्ट तहसील दिवस होगा उसमें हम लोग उनमें उनका मौके पर जाकर भी सत्यापन करेंगे। सर, आज कई मुद्दे पड़े और उस मुद्दे में बिल्थरा रोड में नगर पंचायत के नाले पर एक मुख्य मुद्दा कई लोगों ने एप्लीकेशन दिया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा संज्ञान में आया है कि एक नाले के ऊपर सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवाया जा रहा है। SDM साहब से उस मामले को दिखवाया गया है और ऐसी रिपोर्ट है कि वो एक परमानेंट स्ट्रक्चर है जिसका कार्य रुकवा दिया गया है। कार्य जनोपयोगी है या नहीं है इसको स्वयं SDM साहब ने देखा भी है, वो एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, उसके पश्चात हम उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, समाधान दिवस के दौरान पिपरौली जो गांव पड़ता है वहां से कुछ औरतें महिलाएं जो हैं काफी संख्या में आई थी चैम्बर में और आपके सामने वो पेश भी हुई। सर, अगर देखा जाए तो आप एक IAS कैडर के तेज तर्रार अधिकारी जनपद के अंदर माने जाते हैं और आपसे काफी उम्मीदें रहती हैं लोगों को, तो सर ये किस मामले से आई थी, क्या उस पर कितना आप संज्ञान लिए? कुछ महिलाओं का ये कथन था कि वह पात्र हैं और उनको अपात्र कर दिया गया है पिपरौली गांव में। पिपरौली गांव के जो प्रशासक हैं और BDO हैं, इन दोनों को वहां पर फोर्स के साथ भेजा गया है। ये लोग वहां पर जितनी भी महिलाओं की शिकायतें थी उनका सत्यापन करने के लिए गए हैं और सत्यापन के बाद अगर पात्र पाए जाते हैं तो इनको रखा जाएगा सूची में, अगर अपात्र हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी सर ये जो महिलाएं आई थी आवास का मामला था? आवास का मामला। धन्यवाद। इसके अलावा कोई खास मुद्दा रहा सर आज तहसील दिवस का? नहीं, और कोई ऐसा विशेष खास मुद्दा नहीं रहा, रेगुलर एप्लीकेशन। ठीक है सर, थैंक यू। बलिया जिला के बिल्थरा रोड तहसील में तहसील समाधान दिवस पर आज बलिया जिला के चर्चित जो है CDO विपिन कुमार जैन की मौजूदगी में फरियादियों ने अपनी तमाम तरह की फरियादें जो है पेश की, जिस पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए और उचित कार्रवाई करने की बात कही। पत्रकारों से भी बात करते हुए उन्होंने तमाम तरह के मुद्दों पर अपनी निष्पक्ष बात रखी और कहा कि जो है इस पर जो है हमने संबंधित अधिकारियों से बात की है और उचित कार्रवाई जरूर होगी। न्यूज़ नेशन वॉइस के लिए सब्बीर अहमद की रिपोर्ट।